वेलकम टू माय चैनल वाइब लाइफ। आज मैं आपके साथ पोहे जैसी न्यूट्रिशियस हेल्दी और वेट लॉस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पोहे को, ये थिक वाला पोहा है, थिक पोहे को मैंने पानी में हल्का सा भिगो के निकाल लिया है, बिल्कुल धो लिया है, भिगोया भी नहीं है, धो लिया है इसको पानी में और स्ट्रेन कर लिया है, छान कर मैंने रख लिया है। ये दो बड़े कप पोहा है मेरे लिए, दो बड़े कप पोहा मतलब दो बाउल, इतने बड़े बाउल, दो बाउल पोहे में मुझे चाहिए दो प्याज बड़े, थोड़ा सा करी पत्ता, हरी मिर्च, चार से पांच हरी मिर्च, और चाहिए सब्जी, कोई भी सब्जी आप यूज कर सकते हैं सीजनल अनुसार, कैरेट भी यूज कर सकते हैं, बीन्स भी यूज कर सकते हैं, बीटरूट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मटर ली है, ग्रीन पीस जिसको कहते हैं आप, एक आलू लिया है और एक कप हरी मटर ली है मैंने। मसाले में मैंने लिया है राई, आप जीरा भी यूज कर सकते हैं, राई यूज होती है वैसे, और हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, वन स्पून हल्दी, वन बिग स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून राई, और 2 बड़े चम्मच हमें ऑयल चाहिए, 2 बिग स्पून। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स थोड़ी सी, और 1 बड़ा लेमन, और 1 बिग स्पून यू कैन से 1 बिग स्पून ग्रेटेड कोकोनट। आप ग्रेटेड कोकोनट भी ले सकते हो, और डेजर्टेड कोकोनट भी मिलता है मार्केट में, वो भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है ये। और मैंने लिया है मूंगफली भुनी हुई, आप भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं, इसको हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये मैंने नॉन स्टिक पैन में अपना ऑयल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे मैंने राई डाल दी है, इसके बाद हम अनियन डाल देंगे, और ये साथ ही साथ मिर्ची भी डाल देंगे, कड़ी पत्ता भी डाल देंगे जिसको हम मीठी नीम बोलते हैं, डालकर इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो ये पक चुका है। आप इसको ऐसे ब्रेक करके देखिए, ये ऐसे देखिए गल गई आलू, आलू हमारी गल गई है, मतलब हरी मटर भी गल गया है। अब इसी टाइम पे हम ये पोहे इसमें ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर दीजिए, ये पोहे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे ढककर करीब 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे गैस बंद करके, ताकि इसमें फ्रेगनेंस आ जाए, जो भी अच्छी सब्जियों की स्मेल है वो पोहे में लग जाए। तो गैस बंद कर दीजिए और 4 मिनट के लिए इसको इसी पे रख दीजिए। अब 4 मिनट बाद हम देखेंगे हमारा पोहा तैयार है, इस पे हम मूंगफली डाल देंगे जो हमने भुनी हुई थी। आप इसको रोस्ट भी कर सकते हैं, हल्का सा ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लीजिए और अब इसको एक बोल में निकाल लीजिए। अब इसमें हम लेमन अपना स्क्वीज कर लेंगे, एक जो हमारा लेमन है पूरा का पूरा ऐसे को। अब इसमें हम अपना डेजिग्नेटेड कोकोनट जो है, अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और है, वो भी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स मिक्स करेंगे। मिक्स कर देंगे इसको हल्का सा। अब ये पोहा तैयार है आपका, ये 4 से 6 लोगों के लिए बनाया गया है, 4 to 6 people। अगर आपको मेरी ये पोहे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस पोहे को लाइक करिए इस वीडियो को, और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।